आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि वस्तु है और वस्तु को बेचने पर उसका जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का 2/7 है। तो लाभ जो है वो विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 2/7, विक्रय मूल्य इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, लाभ अपान क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर 2/7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ रेशियो विक्रय मूल्य बराबर 2:7। ठीक, तो लाभ क्या होगा 2 और विक्रय मूल्य 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। यहाँ पर लाभ कितना है 2 और विक्रय मूल्य 7 है, विक्रय मूल्य से लाभ घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। क्रय मूल्य आ गया क्या 5 रुपये। ठीक, अब क्या होगा भाई, हमें परसेंटेज लाभ ज्ञात करना है। तो क्या होता है, कुल लाभ, कुल लाभ क्या है यहाँ पर 2 है ना, गुणे 100 बटा क्रय मूल्य 5 रुपये आया है, 5 × 5 = 10, तो क्या हो जाएगा 20 × 40, परसेंटेज लाभ क्या हो जाएगा 40%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा 40%। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नया आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।